जय हिंद दोस्तों, एसएससी की द्वारा एक और बड़ा और नया आपका रिक्रूटमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी और बम्पर भर्ती आपके लिए आ चुकी है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के साथ दिल्ली पुलिस का भी रिक्रूटमेंट है, वो एसएससी के थ्रू आ चुका है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। अगर दोस्तों आप भी इस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी के लिए एक बड़ा नोटिस है, वो एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया। अगर आप भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज या दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 का इंतजार कर रहे तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। साथ ही दोस्तों ये ऑल इंडिया अप्लाई है, भारत के सभी राज्यों के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएं उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी भी दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम भी जरूर बता दे, ताकि आपके राज्य का और कोई नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बड़ी और अच्छी खबर आ चुकी है, ये पत्रिका न्यूज की, राजस्थान पत्रिका न्यूज में पब्लिश हुई है। साथ ही एसएससी की ऑफिशियली साइट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहां पर हिंदी में पूरी चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज। अब ये सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज कौन सी होती है ये भी आपको पता होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज वो आपके कैप्स है, जिसमें आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी के लिए यहां पर बड़ी भर्ती आ चुकी है। पूरी न्यूज की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज में उपनिरीक्षक के 1,564 पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही उक्त भर्ती के इच्छुक युवा अंतिम तारीख है वो 16 जुलाई है, 16 जुलाई से 20 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर 16 जुलाई से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है उससे कुछ दिन पहले वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक के चलते, आवेदन की तकनीकी समस्या आने के चलते आयोग ने उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी है। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम आपकी साइड है वो नहीं चल पाती है, इसलिए एसएससी ने पहले ही बता दिया था कि लास्ट टाइम हैवी ट्रैफिक रहने के कारण जो आवेदन की तकनीकी समस्या के कारण आपका फॉर्म ना अप्लाई हुए तो उसकी जिम्मेदारी एसएससी की नहीं है, आप पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग बात करें तो दोस्तों कुल पद 1,564 है, दिल्ली पुलिस में एसआई के 169 पद है, जबकि इनमें से 91 पद पुरुषों और 78 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वही बात करें सीएपीएफ में 1,395 पद है, जिसमें से 1,342 पदों पर आपके पुरुष भर्ती होंगे, जबकि 53 पदों पर महिला उम्मीदवार भर्ती होने वाली है। बीएसएफ में आपके 244 पद आए, आईटीबीपी में आपके 43 है, जबकि सीआईएसएफ में 20 और एसएसबी में 16 पद यहाँ पे रखे गए। शेष पद है दोस्तों वो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर इस भर्ती के लिए पहले पेपर की परीक्षा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन कंप्यूटर पर ली जाएगी। इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया ये करवाई जाएगी एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें डेट भी दे रखी है, पहले पेपर की जो परीक्षा होगी वो आपके 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन है, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और परीक्षा में सफल होने के अभ्यर्थी दूसरे पेपर की परीक्षा और मेडिकल परीक्षण में शामिल होंगे। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी और अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो सीआईएसएफ की साइड पे, सीआईएसएफ के जो एसएससी की साइड पे जो एसएससी के द्वारा नोटिस है वो डाला गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे, हम एसएससी की ऑफिशियली साइट पे आ चुके और ये नोटिस आपका यहां पर मेंशन किया गया है। देख सकते हो 8 जुलाई को ये नोटिस जारी हुआ, इंपोर्टेंट नोटिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और कैप सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। तो यहां पर आपके लिए बड़ी और अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी दोस्तों पैरा मिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवार हो तो आप इस भर्ती के लिए ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस बन जाए। क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम डेट भी यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है एसएससी के द्वारा, इसका एग्जाम है वो 29 सितंबर को होगा। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर से लेकर
15 अक्टूबर तक आपका इसका एग्जाम है वो चलने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे आप नए हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी नया रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।